नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में MBBS के छात्र मृतक शैलेंद्र कुमार के परिवारी जन लगातार पिछले 5 दिनों से अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने बुद्धि शुद्धि हवन किया। उनका कहना है कि सत्ता में बैठे लोगों की बुद्धि में सुधार आए, इसके लिए हम ये हवन कर रहे हैं। नगर विधायक का चित्र रखकर फिरोजाबाद के सुभाष चौराहे पर धरना स्थल पर हवन का आयोजन किया गया। साथ ही बताया कि जिन 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत है, उनमें से एक की भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। साथ ही उनका कहना था कि जब तक गिरफ्तारी आरोपियों की नहीं होती, तब तक हमारा धरना यूं ही चलता रहेगा। नगर के पूर्व विधायक अजीम भाई भी मौके पर मौजूद थे। उनका कहना है कि सत्ता में बैठे लोगों का इस समय दिमाग ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है। गरीब और दलित लोगों के साथ वह लोग न्याय नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा उनको चाहिए कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के साथ इस प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। और क्या कुछ कहना था पूर्व विधायक अजीम भाई का, रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। जी जाएगी, किस तरह का आज यहाँ पे हवन हवन किया गया है? आज 5वां दिन है जो MBBS के छात्र शैलेंद्र के पिताजी उदय सिंह जी न्याय के लिए बैठे हैं धरने पर। 5वां दिन है, कोई शासन प्रशासन का अधिकारी सक्षम अधिकारी बात करने नहीं आया है। आज शैलेंद्र के पिताजी ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ हवन किया है। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनकी पीड़ा को समझते हैं और उनको समर्थन देने के लिए आए हैं। लगातार आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। परसों जिलाधिकारी फिरोजाबाद को बहुजन समाज पार्टी ने ज्ञापन दिया और मुख्य रूप से 3 मांगे रखी। एक, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। उदय सिंह जी का मानना ये है कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या की गई है। संगीता अनेजा का पति है, वो सचिवालय में बैठा हुआ है, लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि अभी तक कोई भी सक्षम अधिकारी बात करने नहीं आया। आज उदय सिंह जी ने ये बताया कि माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी का उनके पास फोन आया था और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आज थोड़ा सा उनको आश्वस्त किया गया है और उनकी हिम्मत भी बढ़ी है। कल उनके सामने माननीय विधायक नगर विधायक ने डिप्टी सीएम साहब को फोन किया था, हैंड फ्री कर दिया था। तो जब उन्होंने डिप्टी सीएम साहब से ये कहा कि साहब शैलेंद्र के परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, तो डिप्टी सीएम साहब ने ये कहा कि आपने तो मना कर दिया कार्रवाई करने से, जब आपने मना कर दिया तो कार्रवाई नहीं हुई। तो उनकी ये एक पक्ष निकल के आया कि माननीय विधायक फिरोजाबाद पीड़ित पक्ष के साथ नहीं खड़े हैं बल्कि दोषियों के साथ में खड़े हैं। ये बहुत निंदनीय कृत्य है, बहुत अफसोसनाक। इस तरह का हवन यज्ञ किया गया, हमने जैसा कि बताया है सर को, कल माननीय विधायक जी हमारे आवास पर आए थे तो उन्होंने फ़ोन किया था डिप्टी सीएम साहब को, वो भी हैंड फ्री करके किया था। उसमें जिलाध्यक्ष जी भी साथ थे, मानगर राकेश संगवार और सुरेंद्र राठौर नॉमिनेट पार्षद भी साथ थे और 10-15-20 लोग लगे हुए हमारे मोहल्ले के भी थे वहाँ पर। तो बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम सर उसके पीड़ित परिवार को लेकर के आपके पास आए थे, उसमें अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि आप ही तो मना कर गए थे कार्रवाई करने के लिए हमारे सचिव से, अगर आपको कार्रवाई नहीं सर मैंने नहीं मना किया तो ऐसा है, अगर आपको कार्रवाई करानी है तो एक बार फिर बता लो सचिव से, कार्रवाई हो जाएगी, दिक्कत की बात क्या है। तो
हमें लग रहा है कि विधायक जी की जो बुद्धि है वो ठीक नहीं है, तो उस बुद्धि को ठीक करने के लिए ही हवन किया गया है, ताकि विधायक जी की बुद्धि ठीक हो जाए, ताकि वो कभी किसी दलित पिछड़े गरीब व्यक्ति को घुमाने का, चूतिया बनाने का, बेवकूफ बनाने का काम न करें, इसीलिए ये हमने हवन रखा है। परंतु आज माननीय मंत्री जी जयवीर सिंह जी का फोन आया था, ठाकुर जयवीर सिंह जी का फोन आया था, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आप निश्चिंत रहें, हम आप पीड़ित परिवार के साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आपके बच्चे को न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, आप निश्चिंत रहें, कार्रवाई होगी, परेशान न हो। आज किस तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ये MBBS का छात्र शैलेंद्र शशंकवार जो तारीख 3 को उसकी हत्या मतलब कर दी गई थी मेडिकल कॉलेज में, उसको न्याय न मिलने के कारण ये मतलब धरना चल रहा है। आज 5वां दिन है लगातार, न कोई अधिकारी और न कोई मतलब सत्ता पक्ष के लोग, एक भी लोग नहीं आए यहाँ पर। और मैं ये बात जानता हूँ कि हमारे दलित होने के नाते से शैलेंद्र कुमार को और न्याय नहीं मिलते हैं। आगे क्या कार्रवाई होगी आपकी? आगे कार्रवाई ये होगी कि अगर हम दो एक दिन और देख रहे हैं, नहीं तो हम मतलब भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। और आज शुद्धि बुद्धि हवन का कार्यक्रम है, ये तो 1 बजे से जो हमारे खिलाफ जो लोग जा रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, उनकी बुद्धि सही करने के लिए हम शुद्धि बुद्धि का एक वो रखा है प्रोग्राम हमने आज 1 बजे से। नाम भाई साहब का? उदय सिंह। क्या मामला है, किस तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आपका? भाई साहब हमारे साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है माननीय नगर विधायक जी द्वारा। हमारे इस प्रकरण में ये 3 तारीख का प्रकरण है, हमारे बेटे की हत्या हुई थी 3 तारीख को मेडिकल कॉलेज में फिरोजाबाद में, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई न होने का सबसे बड़ा कारण है विधायक जी हमारी कार्रवाई को रोक रहे हैं कहीं ना कहीं, और इसलिए हमारे इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसीलिए हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। आज हमको यहाँ पर बैठे हुए रेगुलर 5वां दिन है, अभी तक ना ही कोई शासन से ना प्रशासन से यहाँ पर मिलने नहीं आया जी।